हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर टॉपिक की, और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, और कुछ कारणों के कारण वो वीडियो में मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा था। तो आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे क्लाइमेट जोन्स होते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, कि हर जगह हर चीज़ें नहीं आप पैदा कर सकते हैं। कि आप अगर कहें कि केरला की जो रबर प्लांटेशन है वो आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जैसे उत्तर प्रदेश रीजन में या एमपी में कर सकें, या आप राजस्थान में जाकर कर सकते हो, नहीं। आप अगर कश्मीर की जो है जो वहाँ से आता है केसर की खेती, वो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का टेम्परेचर नहीं होगा, उस टाइप की सॉयल नहीं होगी। तो वही इसीलिए ये सारे डिवाइड करे गए हैं कि फ्रूट्स को। टेम्परेट फ्रूट्स वो होते हैं जैसे वार्म एंड सनी होता है, ज़्यादा मतलब कूल टाइप का जो आदमी दिखता है उसको आप कह सकते हैं टेम्परेट फ्रूट्स। जैसे कि कश्मीर में है दो कैपिटल होती हैं, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर ठंड भी होती है गर्मी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, न तो ज़्यादा ठंड न तो ज़्यादा गर्मी। ठंड ज़्यादा हो सकती लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे वहाँ जो डल झील है वो जम जाती लोग कहते हैं, और बच्चे उस पर क्रिकेट खेलते हैं। तो यही रीज़न होता है कि फ्रूट्स को डिवाइड करा गया है, कि जैसे कि कोल्ड सीजन ट्री सेट्स देयर लाइव्स एंड गो इनटू रेस्ट पीरियड। फॉर ब्रेकिंग द रेस्ट पीरियड डेफिनेट चिलिंग पीरियड रिक्वायर्ड। क्लास ऑफ फ्रूट्स जैसे एप्पल, पियर, वॉलनट, ये सारे वहाँ पे जो है पैदा होते हैं, इसलिए जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश ये इसमें एरिया में आते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जहाँ का हॉट पूरे साल हॉट रहता है, और इसके बाद 21 to 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। रेनी और ड्राई सीजन्स होते हैं, इस टाइप से होता रहता है। जैसे कर्नाटका में आप अगर जाएँ तो वहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश हो जाती है। तो इस टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं वो होते हैं रीजन, वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। वहाँ पर ट्रॉपिकल फ्रूट्स टाइप से होते हैं, जैसे कि ज़्यादा कूल टेम्परेचर भी उनको अच्छा नहीं होता है, ये हो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं। होते हैं अर्थ में आपको जैसे डिवाइड होगी ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन्स, वो आप शायद आपको याद हो, नहीं याद होगा तो मैं अभी NCERT के लेक्चर्स बनाऊँगा क्लास 6 से 12 तक, तो मैं बहुत अच्छी तरह बताऊँगा, और बाई यूजिंग मैप मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा कि कहाँ यूरोप है, कैसे जो है प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट जो लोग कहते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट से दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से लड़ी है, कैसे माउंटेन्स बने हैं, और क्या फेनोमेना होता है, और क्यों इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी हम लोग क्यों अर्थक्वेक नहीं बता पाते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, या इस ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, या इस टाइप से है, क्यों आज भी हम लोग इतने पीछे हैं कि हम नहीं बता सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अर्थक्वेक जो आते हैं हम नहीं पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी रीजन है। खैर ये सब छोड़िए, ये तो बाद की बात है, अभी आगे हम लोग ये बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि दिस क्लास इनक्लूड ओनली एवरग्रीन, जैसे कि इसमें सिर्फ एवरग्रीन जो होती है, जैसे मैंगो है, अल्फांजो मैंगो होते काफ़ी है, जैसे GI टैग मिला था आंध्र प्रदेश के एक मैंगो को, तो वो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा पैदा होती हैं। मैंगो हुआ, सपोता हुआ, पपाया, कैश्यू, पाइन एप्पल, बनाना। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। एरियाज जैसे होते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, कभी कभी बारिश होने, पार्ट्स ऑफ पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट हो गया, उड़ीसा का पार्ट हो गया, महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, ज़्यादातर कोस्टल एरिया इसमें आ जाते हैं, वो सारे पार्ट हो गया। तो इस टाइप के आते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स, वहाँ पर पैदा होते हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट करेक्टर टू ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में आते हैं। मतलब ट्रॉपिकल जो बताया 21 to 30 डिग्री, और टेम्परेट जो ज़्यादा ठंड, उन दोनों के बीच में जो आ जाए बस उसे वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। मैं ओनली ये प्लेन्स में होते हैं जहाँ क्लाइमेट हॉट होता है और ड्राई और विंटर लेस, ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है। जैसे सिट्रस है और फालसे हैं, गुआवा है, इस टाइप से अनार है। अनार की खेती आप उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा वैरायटी के अनार नहीं होते हैं, इसलिए तो इसलिए इन जगह पे हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसीलिए इस जो एरिया में यूपी है, पार्ट्स ऑफ बिहार है, एमपी है, वेस्ट बंगाल, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बनाना रिसर्च है वो कहाँ पे अभी नया इस्टेब्लिश किया गया इंस्टीट्यूट, वो बिहार में किया गया है, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में यहाँ पैदा हो सकते हैं। अब जैसे कि आप से कहा जाए कि आप कोकोनट पैदा कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो नहीं पैदा कर पाएंगे आप, पैदा तो हो जाएगा लेकिन उतनी लार्ज स्केल में नहीं होगा,
तो कोकोनट को पैदा करने के लिए अलग टाइप का टेम्परेचर चाहिए। आपसे कहा जाएगा कि आप केले की खेती कर लीजिए, केले की खेती जो केरला में हो सकती है अच्छी, वो थोड़ी ना उत्तर प्रदेश में हो सकती है। केले का पेड़ आपने देखा होगा काफ़ी, उसकी जो स्टेम तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है और पत्ते होते हैं सीधे, और केला एक ऐसा है जिसमें सीड्स से वो ग्रो नहीं करते हैं, ये आप ध्यान दीजिए, वो लार्ज स्केल में होती है, उसमें सीड नहीं होते। मैंगो के लिए आप तो सीड से प्रोडक्शन होती, केले के लिए ऐसे नहीं होता है। केले के जो केले का तना है उसको ही हम यूज़ करते हैं बार बार, दोबारा रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं एरिड जोन। एरिड जोन में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होते, हाई टेम्परेचर होता है, कम जो है ह्यूमिडिटी होती, रेनफॉल बहुत कम होती, जो राजस्थान जैसे हुआ, कुछ पार्ट हरियाणा को हो गया, पंजाब का हो गया, इस टाइप से होते हैं। टेक्सचर पुअर टेक्सचर सॉइल होती है, जो पानी है वो कम सोखता है, जो जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अंदर रूटेड होते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। मेनली कैक्टस जो होता है वो इसीलिए ग्रो कर जाता है। कैक्टस का फिनोमेना नॉर्मल प्लांट्स का फिनोमेना अलग होता है, उनकी लीव्स नीचे होती हैं कैक्टस की, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप मैं आगे लेक्चर बताऊँगा तो सब आपको डिटेल में बताऊँगा। क्रॉप्स होते हैं फालसेट, डेट पाम, पोमेग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, टैमरिंड एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे बताइए, मैं फिर इसकी ट्रिक बता दूंगा कुछ याद करने की। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं इन सबको पैदा करने के, एक ही तरीका तो नहीं होता हर चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स हम जो ऊपर मैं बात कर रहा था, विच आर कल्टिवेटेड ऑन एक्सटेंसिव स्केल, लार्ज कंटीजियस जो बराबर एरिया में होते हैं, प्लेस टू प्लेस बैक रखे जाता है एरिया होता है, इंडिविजुअल या कंपनी करती है, टी, कॉफ़ी, रबर, कोका, कोकोनट, ये सारी चीज़ें आती हैं सब में और काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती हैं इंडिया की इकनॉमी में, किसी भी देश की इकनॉमी में। जैसे कि हाँ, जो प्रोडक्शन का जो में जो है 47% जो है टी का होता है, 66% कैसियो, एरिकट सुपारी जो होता है उसे एरिकनट कहते हैं, ये होता है। और यही कैश क्रॉप्स भी होती हैं, कैश क्रॉप्स वही होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, कोकोनट की खेती कैसे करते हैं। मैं आपको थोड़ी चीज़ें छोटे में उसमें बता देता हूँ कि कोकोनट का जो पेड़ होता है, एक तो सीधे सीधा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अभी बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। उसकी जो कोकोनट होता है उसको पहले एक नर्सरी क्यों बनाई जाती है, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, ताकि जो एक वैरायटी का प्लांट है जो उसका जो सीजियन कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसका वंश जो होता है वो एक वहाँ पे रखा जाता है नर्सरी में, उस वंश से आगे प्रोडक्शन होता है। कि मान अगर मैंगो करना है, मैंगो खेती, तो जब तक आपको उसका वंश नहीं होगा तो आप बाकी खेती नहीं करो भाई। एक बार आपने मैंगो पैदा करी, सारे मैंगो ख़त्म हो गए, बस ख़त्म, मैंगो पेड़ खा ले। खैर, मैंगो का तो ऐसा नहीं होता है, बाकी चीज़ें आपने एक साथ निकाल ली। तो इस टाइप से अगर नए सिरे में करना है तो हम नर्सरी से वो बीज लेते हैं, और जब मैंने बात करी थी सीड सेंटर होता है वहाँ से हम लोगों ने बीज लिया। फिर इसके बाद जैसे नारियल खेती है, एक बड़ा सा नारियल लेते हैं, उसको फिर ज़मीन के अंदर अंदर कर देते हैं, उसमें मिट्टी डाल के उसको रख देते हैं, वो फिर जर्मिनेट हो जाता है। जब जर्मिनेट हो जाएगा काफ़ी बड़ा, फिर हम दूसरी जगह उसके लिए गड्ढा खोदेंगे, उसको रखेंगे कोकोनट को, और उसमें मैन्योर्स जो भी हैं हमारे, फर्टिलाइजर वो सब डाल देंगे उस जो जर्मिनेटेड कोकोनट से, फिर वो बड़ा एक कोकोनट बनता है। तो ये पूरा करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, साल भर लग जाता है। अब मैंने आपको ब्रीफ में बता दी, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि कोकोनट लीव्स जो है ऑल ऑल वर्ल्ड ड्रेन सॉयल, कोस्टल सैंडी लूमियस सॉयल होते हैं, ऑब्वियस है, केरला एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्ट करता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, केरला में रेनफॉल काफ़ी होती है, 1000 to 2250 mm की एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। कोकोनट के लिए क्लाइमेट इक्वेटोरियल चाहिए होता है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, अब केरला जाएंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं, बारिश होती है। मैक्सिमम जो है एनुअल टेम्परेचर ग्रोथ का 27 डिग्री दिया। यही टेक्नोलॉजीज, यही टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। प्लांटिंग मटेरियल मोड्स, अब यही होता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप से होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में क्या होता है कि प्लांट्स जो है एक नए प्लांट्स को जन्म देता है बिना सीड्स के, जैसे रोज़ है, गुलाब की खेती जो होती है उसमें क्या कलम कर देते हैं, इसके बाद करते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स ऑब्टेंड होता है, सीड से एक प्लांट्स ऑब्टेंड होता है, पॉलिनेशन होता है, जो भंवरे और तितलियाँ होती हैं
वो पॉलन ग्रेन्स को लेके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, और अगर दो फ्लावर्स वैरायटी फ्लावर पास पास रखे हैं तो सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, आपस में ही कर देते हैं। जैसे फ्लावर्स में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो, और अगर जो भंवरे और तितली लेके जाते हैं अगर वो सेम फ्लावर्स पे आ गए तो फिर उसमें जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और अगर डिफरेंट वेराइटीज़ में आ गए तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन का जैसे स्टेमन होता है उसको मेल प्रोडक्टिव करते हैं, थोड़ा बायोलॉजी की चीज़ें हैं थोड़ा समझ लीजिए से, और पिस्टल जो होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव होता है। स्टेमन में होता है एंथर फिलामेंट और ये होता है, और फीमेल में स्टिग्मा और ओव्यूल ओवरी ये सब होते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल गेमेट्स वाले जो होते हैं एंथर में जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे एंथर आपने मैंने बताया था मेल होता है, ये एंथर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं होते हैं, ये ही जाते हैं ओवरी फीमेल के पास में, और ओवरी जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं जाके। तो ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अगर पॉलिनेशन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर तो सेल्फ, और डिफरेंट तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो कोकोनट जो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। विच है इज प्रोग्रेटेड ओनली बाई सीड्स, अच्छी सीड्स हम लोग रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट होती है, और मदर पाम होना चाहिए। जनरली नट्स हार्वेस्टर जनवरी से अप्रैल में होते हैं। सीडलिंग्स जो हम लोग लेते हैं जो सबसे पहले जो सीड्स ग्रो करने के लिए हेल्दी होती हैं, और कम से कम उसके 5 to 6 लीव्स होनी चाहिए। लीव्स को अलग अलग कर लेते हैं पूरा, फिर उसके एक जो गिर्थ जो है उसको हम जो सीड्स के अगल बगल है उसको हम अच्छी तरह फाइन ग्रून कर लेते हैं, और उसमें रूट्स होने चाहिए। फिर हम लोग लैंड, वही जो मैंने बताया था लैंड प्रोफेशन टेक्निकल चीज़ें, कि सॉइल पिट्स करिए, वन क्रॉस वन जनरली रिकमेंड होता है, रेटेनेट सॉइल होते हैं इस टाइप से, पिट्स को कुछ डिस्टेंस में हम लोग करते हैं। डीप प्लांटिंग जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जो नहीं मैंने एक पिट खोदते हैं उसको काफ़ी अंदर तक कर देते हैं ताकि वो सॉइल से वाटर ले सके, और सीडलिंग को एक कुछ प्रॉपर पैटर्न में लगाया जाता है, और उसमें वीड्स जो होती हैं, वीड्स जो है होती क्या है कि जो घास फूस अगल बगल की होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती प्लांट से, तो वीड्स को हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग हटाना पड़ता है। और इरिगेशन होता है 45 लीटर्स ऑफ वाटर का, कुछ 3 4 दिन में करते रहनी चाहिए। हार्वेस्टिंग जो कोकोनट यूजली है रिपन्स 12 to 30, 1 साल लग जाता है आफ्टर जब फूलता है, फिर इसके बाद उसको निकालते हैं दूसरी जगह लगाते हैं, यही सब चीज़ें हैं। जनरली हार्वेस्टिंग डन 45 to 60 days। टेंडर नट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र एरिया जो होता है वहाँ होता है। फिल्ली मेच्योर्ड जो होता है कोकोनट्स में 35% हस्क, 12% सेल, 28% मीट होता है। ये देखिए जिस टाइप से मैंने इमेज एक लिया आपके लिए, ये इस टाइप से ग्रो होते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को जो ये हैं इनको हम लोग ज़मीन में गाड़ते हैं, और फिर वही जो है उसी से प्रोडक्शन होता है, वो बड़े बनते जाते हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी प्लांटेशन भी इसी टाइप से होता है, और इसी के लिए मैंने यहाँ पे कैश क्रॉप डिफाइन किया कि कैश क्रॉप जो होता है एक एग्रीकल्चर क्रॉप होती है जो कि जिसका प्रोडक्शन जो होता है कोई ऐसी क्रॉप जिसको हम प्रोडक्शन करें जिससे अच्छा प्रॉफिट हमें मिले वो कैश क्रॉप कहा जाता है। कॉफ़ी ऑफ कॉमर्स कंसिस्ट सीड्स ऑफ कॉफ़ी होती है, रोस्ट ग्राउंड सोक करके रखते हैं, और हॉट एरिया ज़्यादा मोस्टली होता है कर्नाटका एरिया है वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जबकि नीर इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका से हुई है, और कर्नाटक में चिकमंगलूर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील जो है मेजर प्रोडक्शन है कॉफ़ी का, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग कॉफ़ी पीते हैं। आप बेंगलोर भी जाएंगे आपको वहाँ भी दिखेगा काफ़ी लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी प्लांट्स जो है जर्मिनेटर में होता है, सीड बेड्स हम लोग उसके लिए बनाते हैं, प्लास्टिक बैग्स भी हम लोग कर देते हैं उसके लिए नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और 5 to 6 month के बाद उसका एक फॉर्म होता है। अब मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि होता क्या है कि आप कॉफ़ी का एक जो सीड है वो लेते हैं नर्सरी से, उसको फिर एक जगह रखते हैं किसी जगह अच्छे फर्टिलाइज़र के, उसमें वो फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट के बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक बैग्स में रखते हैं ताकि और जर्मिनेट हो जाए। उस जब प्लास्टिक बैग्स में जब वो ज़्यादा जर्मिनेट हो जाता है फिर हम उसको फार्म लैंड में ले जाते हैं, और फिर वो ग्रो कर जाता है धीरे धीरे। जैसे कि ये देखिए ये कॉफ़ी का प्लांट है,
ये इस टाइप से ग्रो करते हैं। मैंने बताया था ना कि जो स्ट्रॉन्ग लीफ सारे प्लांट्स मिलते हैं। सॉइल क्लाइमेट क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड 816-850 मीटर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल इनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि सॉइल इरोजन हो जाता है, फॉर फंगल डिजीजेज भी आ जाती हैं। टेम्परेचर 50 to 80 डिग्री फॉरेनहाइट तक अच्छा है, और कुछ जगह शेडिंग भी प्रोवाइड करी जाती है कॉफ़ी के लिए कि शेड, जैसे कि इंडिया में तो कॉफ़ी जो है हिली एरियाज़ में ही होती, जहाँ जैसे कि कर्नाटका हुआ और काफ़ी जगह होती हैं, लेकिन कई कई जगह जैसे ब्राज़ील में जो प्रोडक्शन वो सेलिंग शेड में करते हैं, इसका उसको बचाते हैं। हमने टीवी एड देखा होगा कि वो धूप से लड़के बचा रहा है कॉफ़ी प्लांट्स को, वो यही होता है, वो शेडिंग होती है बेसिकली, तो उसको कहना ये चाहते हैं लेकिन वो मेन रीज़न उसको बताते नहीं हम लोगों को। तो ये शेडिंग में होती है और अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं। जो कॉफ़ी स्टेट वो ज़्यादा रिच इन एल्युमिनियम ना, आयरन कंटेंट काफ़ी होता है और कैफीन होती है, तो आप समझ सकते हैं कि एल्युमिनियम आयरन जब तो ज़्यादा ही होगा। प्रोपोगेशन जो होता है बोथ बाय सीड्स एंड कटिंग, सीड्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर टाइम में करते हैं, हैवी ब्रॉड एंड बोट सेव्ड, पल्प ऑफ द सीड इज रिमूव्ड बाय हैंड, जो उसकी ऊपर की चीज़ें होती हैं वो निकालते हैं, रूट्स एंड रेव्ड विद एस टू स्टिकिंग ऑफ सीड्स, सुखाते हैं और फिर इसके बाद सीडलिंग्स को अपलोड ट्रांसप्लांट करते हैं प्लास्टिक बैग्स में और नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी में वो मैं एक जैसे नर्सरी में नहीं देखा आप जो पॉट फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं वहाँ पर लाइन्स लगा देते हैं। प्रोविज़न ऑफ शेड का काफ़ी अच्छी, इनके ऊपर सबड्यूड लाइट होती है, पार्शल शेड होना चाहिए और जहाँ पे सनलाइट इंटेंस हो, ज़्यादा नहीं हो, ठीक हो, नॉर्मल। जो ब्राज़ील में है वो विदाउट एनी शेड करते हैं, और शेड करते नहीं हैं जी, तो वैसे लिख दिया है करते हैं, लेकिन बेसिकली अब तो वो शेड ही यूज़ करते हैं। इंडिया में इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है डिफरेंट होती है, इस टाइप से करते हैं। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और 3 साल बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, गुड यील्ड आती है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती है। अब जैसे घाना है एग्जाम्पल, आप जैसे याद कर सकते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टी की क्या होती है, टी जो है वो तो आप सबको पता है कि अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों ने टी प्रोडक्शन स्टार्ट किया था आसाम में, सिर्फ वहीं होती है टी, और टी का जो असली जो एटमोलॉजी कहा जाए वो चाइना से हुई थी, चाय का नाम चाइना से ही आया था, कि हुआ कहता है कहानी थी कि कोई राजा था वो रास्ते में जा रहा था और उनकी सेना रुकी कि अब हम लोग ज़्यादा चल चुके हैं तो हम लोगों को रुकना चाहिए, तो उसकी सेना जो रुकी तो वहाँ पे टी प्लांट्स उसके जो पानी बॉयल हो रहा था लोगों के लिए उसमें गिर गया, तो वो राजा के पास जब वो पानी राजा ने पिया तो उसे अच्छा लगा, तो कुछ वर्ड समझ में आया तो उसने चाय नाम रख दिया। इसके बाद सबसे पहले चाइना में आया, चाइना में कम स्केल में हुआ, चाइना से टेक्नोलॉजी जब अंग्रेज़ों को पता चली, उन्होंने देखा कि इंडिया में सॉयल ऐसी है, उन्होंने इंडिया में ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी फिर इसमें वो जो है आसाम के लोगों को बंधक बना लेते थे, उनसे ज़बरदस्ती लेबर करवाते थे, वर्क कराते थे कि आप यही ग्रो करो और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि और फिर महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे, तो काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से। मोस्टली जो जैसे लिखा आसाम एंड चाइना, आसाम में है टाल और पुराने सॉफ्ट लीव्स कैन ग्रो एट एलिवेशन ऑफ 1500 मीटर, चाइना में छोटी होती है इसलिए मैंने बताया ना कि चाइना में कम होती है, और कैन बी ग्रोन अप टू 2400 मीटर अबव सी, मैनी हाइब्रिड्स यूज होती हैं कल्टिवेशन में। एकोलॉजी, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, प्लांटी सनलाइट, रेनफॉल इतनी, टेम्परेचर 10 to 38 डिग्री तक है, ऑब्वियस है सीधा, हाई एलिवेशन ज़्यादा चाहिए होती है कटाव रोकने के लिए वो होता है, फिर आगे होता है बर्न एंड स्लैश कल्टिवेशन करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। गुड यील्ड अच्छा होता है इसमें एट इट्स हाई, जितना अल्टीट्यूड हाई होगा तभी, देखा ना चाय के बागान होते हो काफ़ी, कितने अल्टीट्यूड्स पे होते हैं, वो यही रीज़न होता है, और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं किस तरह पानी के कटाव को रोकते हैं वो काउंटर ट्रंचिंग करके, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया ये सब चीज़ें। सॉयल होता है लाइवल लूम ऑन फॉरेस्ट लैंड होता है, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी इसके लिए मैटर करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टी सॉइल्स जनरली जो ऑर्गेनिक पोटैश और ये सारी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन पोटैश और जो लाइम होता है वो थोड़ा कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, और लैंड प्रिपरेशन जो होता है टी सिर्फ हिली एरियाज़ में, सारी बात कर चुके, लो ग्रीन ग्रोइंग वेजिटेशन अन फॉरेस्ट एरियाज़ में होते हैं उनको हटा देते हैं, फिर कुछ सेलेक्टेड वंस करते हैं, या पूरी थ्योरी आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बस लिख दिया ऐसे ही इधर उधर से। रेजिंग ऑफ सीड्स और जर्मिनेटर्स बेड्स होते हैं, सीडलिंग्स होती हैं,
एक नर्सरी से दूसरे नर्सरी से हम लेते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं, 6 to 8 months लगते हैं। आप बस ये याद रखिएगा कितनी, जो अगर आप क्वेश्चन आए कि कितने महीने लगते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, किस मंथ में चाहिए, बस। और इससे ज़्यादा आपसे PhD करने के लिए नाबार्ड क्वेश्चन नहीं गया कि नहीं, आप बताइए कैसे ग्रो करते हैं। ये ग्रो करने का काम एग्रीकल्चरिस्ट को होता है, हॉर्टिकल्चर जो एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने उस पर रिसर्च की, उनसे डिग्री होती, उनका काम होता है। आपको एक्सेल पे एनालिसिस करनी है इन सब चीज़ों की, बस आपको ये नॉलेज होने चाहिए सारे टर्म्स। इंटर कल्टिवेशन, टी गार्डन्स जो होता है, फूड 3 to 5 times आर हुडेड एंड वीडेड, 3 to 5 times रेनिंग सीजन में ज़्यादा वीड्स आ जाती हैं। शेड ट्रीज आर लूप टू प्रोवाइड लेटरल डेवलपमेंट, विच विल शेड लार्ज एरिया को दिखाते हैं वो। इकोनॉमिक यूज टी जो है, इकोनॉमिक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्रॉप है, काफ़ी होता है। इंडिया जो है 340 करोड़ रुपए जो है टी का एक्सपोर्ट करता है। कॉमर्शियल जो है ग्रीन और ब्लैक टी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं ग्रीन के करने के लिए और ब्लैक को करने के लिए, कैफीन होती है इसमें भी। अब बात करते हैं प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर।